सारे हाय हाय कोलमकर हाय हाय कोलमकर हाय हाय भारत सरकार हाय हाय भारत सरकार हाय हाय ये सारे हाय हाय। मुंबई के आजाद मैदान पर मातोश्री सदन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई संभाजी गावड़े जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं एवं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारी जी द्वारा की गई, जो कि मातोश्री सदन वेलफेयर सोसाइटी के लोगों के समर्थन में वहां पर उपस्थित थे। इस दौरान मातोश्री सदन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संभाजी गावड़े जी का कहना था कि हम वडाला के रहवासी है। वडाला में हमारा एसआरए का प्रोजेक्ट है, न्यू मेगा रेवदर बिल्डर्स और डेवलपर्स है। जहाँ जहाँ पर ये न्यू मेगा रेवदर डेवलपर्स है उनका काम, वो वहाँ पे लोगों को बराबर से भाड़ा भी देते नहीं है जो, और उनका बांधकाम भी रुका के रखते हैं। ये न्यू मेगा रेवदर बिल्डर्स है, हमारे लोगों को अभी तक भाड़ा टाइम पे कभी भी दिया नहीं है और भाड़ा एक बार भी बढ़ा के दिया नहीं है। 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, उन्होंने एक ही बार भाड़ा बढ़ा के दिया, अभी तक हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है और इनके ऊपर एसआरए कोई कार्रवाई नहीं करती, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती। इनके पास अगर भाड़ा मांगने के लिए जाते हैं तो उनके गुंडे हमारे लोगों को पीटते हैं। उसके ऊपर हमारी स्थानीय पुलिस स्टेशन कोई भी कार्रवाई अभी तक किया नहीं है, करती भी नहीं है। वो गुंडों को संरक्षण देती है तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन होना चाहिए। एवं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारे जी का कहना था कि देखिए, ये वडाला के हमारे एरिया के लोग हैं, 9 साल से ये लोग बेचारे रास्ते के ऊपर है। इनके घर बिल्डर ने तोड़ दिए, उसके बाद इनको बोला गया कि हम 18 महीने में इनको घर देंगे। आज जो बिल्डर था पहले का, उसने 3 जन को ये प्रोजेक्ट बेच दिया है, ये चौथा आदमी अभी ये काम कर रहा है। इसकी कोई भी सम्मति ये लोगों से नहीं ली गई, इसका कोई भी एजीएम ये लोगों से नहीं लिया गया, इनको मालूम ही नहीं। इधर ही इनके खोटे दस्तखत करके, खोटी एजीएम करके 3 अलग अलग बिल्डर को ये प्रोजेक्ट बेचा गया। अभी इनको 3-3 साल का भाड़ा दिया नहीं है। जो दीपक कपूर की आप बात करते हो, एसआरए ने खुद डिसीजन दिया है कि 2011 और 12 से लेके आज तक जो भाड़ा बाकी है वो सब भाड़ा कम से कम 4 लाख रुपए तक होता है। वो भाड़ा बिल्डर को बोला गया है कि सब लोगों को देना चाहिए, तो बिल्डर अगर महीने का भाड़ा नहीं देता है, ये 4 लाख रुपया जो एरियस है वो कैसे देगा? और जब भी ये लोग मांगने के लिए जाते हैं तो गुंडों के जरिए इनके ऊपर हमला किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनको ऑफिस से हकाला जाता है। बीजेपी के मंत्री राज पुरोहित वहाँ बैठ के उनके सामने बिल्डर बोलता है कि ये हमारे हैं, हमारी सरकार है, तुमको किसके पास जाना है वो जाओ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये एसआरए को बीजेपी के हाथ में बेचा बेच दिया है क्या? क्योंकि अगर ये गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करेंगे, उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, इनको इनका जो मत है वो मानने का अधिकार भी नहीं आप देंगे, तो ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हमने ये आज का एक दिन का कार्यक्रम रखा है उपोषण का, ये एसआरए के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए ताकीद देने का काम है कि आज हम वार्निंग दे रहे हैं एक दिन की। हम उनको 10 या 15 दिन का मोहलत देते हैं, उसमें ये बिल्डर की इंक्वायरी करके इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हमको हमारा जो इनका जो मांग है भाड़े की वो मिलनी चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए, जो गुंडे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ हुआ नहीं और जल्द से जल्द अगर इनको ये सब इंक्वायरी बिठाया नहीं गया, तो हम पूरे जो रहवासी हैं ये हम एसआरए के ऑफिस में जाएंगे और उधर ठिया आंदोलन करेंगे। हमारे वडाला के अंदर ये एक ही प्रकल्प नहीं है, ऐसे बहुत से प्रकल्प है झोपड़पट्टी के, जिसके पीछे वडाला के जो राजकीय हमारे नेता है कोलमकर जी, इनका पूरा हाथ है। सब बिल्डर के साथ और किडवाई पुलिस स्टेशन के साथ ये मिले हुए हैं और ये दोनों की मदद से इस गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम ये कोलमकर, किडवाई पुलिस स्टेशन और एसआरए ने चालू किया है। क्या बोलने को गया क्या बाबा? नंबर लो का देखो, तुम साहब कुछ तो भी करो हमारे भाड़े के लिए। तो वो कोलमकर साहब बोलते क्या, वो तुम्हारे नंबर लोग लेके आओ, और नंबर लोग उनको बोलेगा तो हम लोग ना आते करके बोलते, हमारे गरीब को कौन पहचानता नहीं उधर। ये सब मिली जुली भगत है
और ये मिली जुली भगत की वजह से बहुत से लोग और हमारे झोपड़पट्टी के लोग, पुनर्विकास के लोग, बहुत से लोग ये परेशान हो चुके हैं और ये बिल्डर के साथ हाथ मिला के, क्योंकि हर कितने ऐसे झोपड़पट्टी के एजीएम के मीटिंग है, वो एजीएम के मीटिंग में आमदार का क्या काम है आप बताइए। एजीएम के मीटिंग बिल्डर लेता है झोपड़पट्टी वालों के साथ, उसमें राजकीय नेता का क्या काम है? क्या राजकीय नेता उनका भागीदार है? क्या राजकीय नेता उनका पार्टनर है? तो राजकीय नेता का क्या काम है? मैं राजकीय नेता हूँ, मेरा क्या काम है कि इनके बिल्डर के साथ जो इनके साथ बातचीत हो रही है उसमें मैं जाऊँ? हाँ, इनके ऊपर बिल्डर अन्याय करेगा तो मैं जाता हूँ, लेकिन ऐसी कितनी एजीएम की मीटिंग है, वो मीटिंग के अंदर कॉलम कर बैठ के लोगों को बोल रहे हैं कि बिल्डर के साथ जाओ, बिल्डर का सुनो। तो ये सब जो करने का मतलब है, ये पूरे एरिया के अंदर इस तरीके का माहौल है, ये पहला उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण अभी आप लोगों के सामने आ जाएंगे और सब लोग पूरी तरह से रास्ते पे उतर के इसका सामना करेंगे। कैमरामैन युवराज के साथ विक्रम सिंह पुंडे, SNTV न्यूज़ मुंबई।